चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हमारे बीच हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट सेलिब्रेशन करना है। हमारे बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली दिसंबर 23 सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर किया है, ठीक है, जिसके सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अभी हमारे बीच वो सारे बच्चे आए हुए हैं और हम सभी उनका ग्रैंड वेलकम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके करेंगे। तो चलिए प्लीज वेलकम एवरीवन। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। चलिए तो हमारे बीच सभी सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाइड बच्चे आए हुए हैं। हेलो। तो चलिए एक एक करके अब हम इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, पढ़ाई के दौरान इनका पढ़ाई कैसा चला और बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और पढ़ाई किस तरीके से किया जाए सिस्टमेटिक वे में कि बेहतर हो, वो सारी बातें ये लोग खुद अपने से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम तो रोज क्लास में बातें करते रहते हैं पढ़ाई के विषय में, है ना। आज उन बच्चों से सुनिए जो ऑलरेडी सक्सेस अचीव करके आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम मतलब कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गेस जो लोग दे देते हैं 12 में कि गेस से इतना नंबर और वो भी आ भी जाता है, संजोग बस आ भी गया, मान लीजिए कि लह गया आ गया, तो वो आपके इस एग्जाम में फाउंडेशन के एग्जाम में सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में कितना रोल प्ले करेगा? आपका रिजल्ट तो बन जाता है बट वो आगे आने वाले आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कितना रोल प्ले करता है, गेस का कितना रोल है आपके अगले आने वाले एग्जाम में आगे आने वाले भविष्य के साथ, तो ये बताएंगे। देखिए पहली बात आप गेस के चक्कर में तो पड़िएगा, आप लोग का जो भी क्वेश्चन है पीछे जो चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चन दिया है और प्लस अकाउंट का जो आपको पतला बुक मिला है वो सारा क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में कर लेते हैं, उनके अलावा अलग से आपको कोई गेस की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं है और वो सारा आप क्लियर कर लेते हैं आपको मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा कि इस तैयारी के दौरान इनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
और यहाँ कॉमर्स 2.0 के कॉन्सेप्ट कितने रोल प्ले करते हैं इनके फाउंडेशन के एग्जाम में, ये बात मैं एक और इनसे पूछना चाहूंगा, तो बताएंगे। देखिए, इसी बीच इन्होंने बताया कि इनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बहुत सारा प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि दुकान खोलना पड़ा था और दुकान चलाना पड़ा था फैमिली चलाने के लिए। सोचिए, इन परिस्थितियों के आने के बावजूद भी इन्होंने रिजल्ट दिया है, एक काबिलियत तारीफ है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा इनकी जोरदार तारीफ होता है। सर, आप लोग हमेशा, हम क्लास में कहते रहते हैं, आप लोग एक्सक्यूजेस बात करते हैं कि ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, ये प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम है, तो 8 बजे सर नींद नहीं खुल रहा है, तो ये तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग बात करते हैं। आप देखिए इस लड़के को रियल में इसे प्रॉब्लम कहते हैं। गार्जियन का तबीयत खराब हो गया, गार्जियन घर पे है, खुद से परिवार चलाने के लिए दुकान चलाना पड़ा, लड़के उसके लिए मेहनत करना पड़ा ताकि परिवार कैसे चलेगा, और वैसी परिस्थिति में आने के बाद भी इसने रिजल्ट दिया है। आप लोगों को क्या लगता है, ये आसान काम है क्या? सर, आसान नहीं है। आप लोगों को तो आपके गार्जियन सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं सर, अच्छे अच्छे फोन हैं आपके पास, अच्छे कपड़े हैं, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, और बस आपको करना क्या है, पढ़ाई कर लेना है, बस सिर्फ पढ़ाई कर लेना है, बस इतनी सी बात है। और वो भी आप लोग ठीक से अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप लोग, मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें आज ऑर्गेनाइज की गई हैं इसी वजह से, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके, कुछ मोटिवेशन मिल सके, और आपके साथ साथ बाकी जो भी लोग हो आपके करीबी, आपके जान पहचान में, उन सबको भी बताइए, ताकि और बेहतर ढंग से आप मेहनत कीजिए। यही समय है सर, अगर इस समय पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है, चलिए बाकी आगे की जर्नी हम बाकी लोगों से पूछते हैं। चलिए, आपको आपने आपकी तैयारी कैसी रही और आपने क्या क्या फील किया इस तैयारी के दौरान, आपने क्या टारगेट अचीव किया, और ये सारी चीजें बताएंगे, प्लस स्ट्रेटजी आपकी क्या थी, ये सारी बातें आप बताएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए हैं। असल में मैं जब 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल थे, तो जो भी थे, मैक्सिमम लोगों ने साइंस ले लिया, और मैं अपने पूरे ग्रुप का एक अकेला स्टूडेंट हूँ जो मैं कॉमर्स लिया। उसके बाद भी मैं सिवान में बहुत जगह इधर उधर कोचिंग्स वगैरह में गया, तो मेरा जो माइंडसेट था, मैं जिस हिसाब से पढ़ाई करना चाह रहा था, मुझे वो चीज़ नहीं मिला। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग किसी भी कोचिंग में जाकर देख लें, जहाँ पर बस आपको जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के अलावा अगर आपको BST और ECO में कोई हाथ लगा दे तो फिर आप लोग बोलिएगा। क्योंकि 11th में तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
क्योंकि मैं भी सिवान के अक्सर जो बड़े बड़े जो टॉप टीचर्स हैं जिनका बना हुआ है, मैं उनके पास गया और मैं वहाँ का हालात देखा। उसके बाद से मुझे रवि सर से मुलाकात हुई, अभिनव सर से मुलाकात हुई, फिर मैं इनके पास अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। मैंने अपनी पूरा 12th का सिलेबस इन्हीं के पास से पढ़ा। उसके बाद से सच में मुझे लगा कि हाँ, अगर कोई पढ़ा सकता है यहाँ पर तो हो, जहाँ पर आपको मतलब चूँकि जो भी कॉन्सेप्ट है आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला। मेरे एक अकाउंट्स हो, इको हो, बीएसटी हो, सब सब्जेक्ट आपको फुल मिलता है। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, एक एक न्यूमेरिकल को अकाउंट्स में अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाता है। और सिर्फ आंसर लाना ही आपका असल मकसद नहीं है, बल्कि आंसर जो आ रहा है, हम किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो क्यों डेबिट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ये इनकम है तो क्यों इनकम है, ये एक्सपेंस है तो क्यों एक्सपेंस है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सपेंस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक डेबिट एक्सपेंस होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो उसको आप ट्रेडिंग में लिखिए या प्रॉफिट और लॉस में लिखिए, आपका आंसर आपका तो आ जाएगा, जो नेट प्रॉफिट होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आपका कभी मैच नहीं कर पाएगा। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। आंसर तो आप बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, अरे यार ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो या प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में लिखो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पे आपका एक्सपेंस में दिक्कत हो सकता है कि जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है जिसको आपको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ 11th और 12th के लिए ही नहीं, बल्कि आपके आगे के आने वाले आप किसी भी कोर्स में जाएं, बीकॉम करें या फिर आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं, जैसे कि सीएमए हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएफए हो गया, सीएफए हो गया, एसीसीए हो गया, आप किसी भी कोर्सेज में जाएंगे तो आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कॉमर्स में तो ऐसा है कि जो लोग बहुत सारे लड़के कॉमर्स इस वजह से ले लेते हैं कि मेरे को मैथ्स से छुटकारा हो पाना है, मेरे को मैथ्स नहीं पढ़ना है, मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता है, एसपैट से मेरे को बहुत डर लगता है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि 11th में भी अगर 11th और 12th का जो मैथ्स और एसपैट्स है अगर आप उसको आप पढ़ते हैं और अगर बीकॉम भी करते हैं उसमें भी आपको एसपैट्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीएमए करते हैं, सीए करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं तो उसमें भी आपका मैथ्स और एसेट्स का बहुत अहम रोल है। और इवन ये भी नहीं बल्कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज का बैलेंस शीट वगैरह उठा कर देखें, जो सीएफओ होते हैं उन लोगों का मेजर काम ही मेरे दोस्त वो सब एसेट्स के बेसिस पे होता है। आप स्टॉक मार्केट में चले जाएँ, शेयर मार्केट में चले जाएँ, सारे काम एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो डेटा होते हैं उनको हम इतने आसानी से हम लोग नहीं देख सकते हैं, और एसेट्स के थ्रू हम एक अनुमान लगा सकते हैं हाँ किस चीज़ का क्या रेशियो है। तो एसेट्स का बहुत अहम रोल है। और एसेट्स मतलब कि अगर हम इस चक्कर में कॉमर्स को लेते हैं कि मैथ और एसेट्स से छुटकारा मिल जाएगा तो ऐसा नहीं, आपको उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कॉमर्स 2.0 ये एक संस्था है जहाँ पर रवि सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट जो 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट 100 नंबर का होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th में पढ़ना है, एक्चुअली 12th माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ना है, लेकिन फाउंडेशन में केवल माइक्रो पूछता है और मैनेजमेंट पूछता है जो 12th का बिजनेस स्टडी है। उसमें कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है, पेस्टल एनालिसिस वगैरह पढ़ना होता है। तो लेके चलिए कि 12th का ही बिजनेस स्टडी है और माइक्रो इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का पूछता है जो 12th में पढ़ना है। तो 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना कितना जरूरी है ये भी आपको बताएंगे। जैसा कि इकोनॉमिक्स की बात है और बिजनेस स्टडीज की बात है, जो लोग हम लोग 12th में पढ़े थे, डिमांड सप्लाई हो गया, मार्केटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया, हम लोग बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले आपको फाउंडेशन वगैरह में मिलेंगी और हमेशा आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे आकर के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी जो 11th और 12th का जो टाइप होता है ना, बहुत इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है और इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सिलेबस तो है लेकिन आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और आप जैसे आप 12th पास आउट करेंगे और आप जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो उस समय का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। और अगर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर उस समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो
अभी आपको जो फिक्स है बेसिक भी क्लियर करना पड़ेगा और जो आगे का एडवांस लेवल का पढ़ाई करना है उसको भी करना पड़ेगा। तो यही कहेंगे कि जो भी आपको बेसिक चीज़ें मिल रही हैं आप लोग उस पर ध्यान दें और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर रखें। चलिए अब जानेंगे कि जिनका 342 मार्क्स आया हुआ है, ग्रेट मार्क्स, मतलब सुन के ही लग रहा है कि वाव, ये वाली बात है, इतना ज्यादा मार्क्स प्रोफेशनल एजुकेशन में जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि शिवू हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। जी हाँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, 11th 12th, और उसके पहले की पढ़ाई इनकी हिंदी मीडियम से हुई है। तो जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो कहते रहते हैं सर हमसे हो जाएगा, हम तो हिंदी में पढ़े हैं, हो पाएगा हमसे, सर आपके सामने रिजल्ट है, और ऐसा रिजल्ट कि पूरा बिहार में इतना नहीं आया है किसी का, समझ रहे हैं बात? तो आइए आगे की जर्नी हम इनसे पूछते हैं, इनका स्ट्रेटजी क्या रहा पढ़ाई का, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया, ये सारी बातें इनसे जानते हैं। अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके सामने स्पीक करने के लिए। तो मैं साइंस लेने के लिए, तो हम लोग का बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं था और साइंस का फीस बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग को मतलब मजबूरी में कॉमर्स लेना पड़ा। हमारे पास मतलब कोई रीज़न नहीं था, हम लोग कुछ नहीं जानते थे लोग कॉमर्स के बारे में। जब हम लोग ने गांव में जाके बताया कि हम लोग ने कॉमर्स लिया है तो सब लोग ने बोलने लगे कि भाई आप लोग का नंबर इतना बढ़िया है, आप लोग कॉमर्स क्यों लिया, आप लोग को साइंस लेना चाहिए था। तब हम लोग को यही मिला पढ़ने के लिए, बहुत कुछ सुनने को मिला कि क्या क्या करोगे आगे चल के। तो फिर हम लोग को मतलब हम लोग को सर मिले, सर ने बताया, हम लोग को भी बहुत डाउट था कि क्या मालूम आगे चल के हम लोग मतलब उतना सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं। सर ने हमें बताया कि कॉमर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तब हम लोग को एक नाम सुनने को मिला था सी ए सी एम। हम लोग सोचे थे कि बहुत बड़ा कोर्स है और हम वही करना है, और हम लोग मतलब अभी हम लोग सर से निकले थे और सर का क्लास ज्वाइन कर लिए थे। हम लोग उससे पहले ही बहुत सारे कॉमर्स के क्लास ज्वाइन किए थे, लेकिन हमें कहीं उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि जब हम लोग सिलेबस देखते लो 11th 12th का अकाउंट्स का, सबसे पहले तो सिवान में जितने क्लासेस है सारे जगह बस एक घंटा पढ़ाई होता है, वो भी अकाउंट्स, बाकी बीएसटी और इको का तो कोई नाम ही नहीं लेता है। तो हम लोग को ये डाउट आया कि फिर आगे क्या होगा अगर हम लोग बस एक ही सिलेबस पढ़ेंगे लो। तो तब हम लोग सर के पास आए लो, तब सर ने बताया कि हाँ ये होता है, हमारे यहाँ सब कुछ पढ़ाई होती है, उन्होंने ज्वाइन किया है, शायद वही हम लोग के लिए टर्निंग पॉइंट था। हम लोग को मतलब बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला सर से, अभिनव सर से, शायद वही हम लोग का मतलब बहुत बड़ा एक पॉइंट था। उसके बाद से हम लोग को मतलब उसके बाद सर ने हम लोग को गाइड किया कि तुम लोग सीएमए करो, और सीएमए करने के साथ साथ सर ने हमें बताया कि जो सीएमए का सिलेबस है वही तुम्हारा 11th 12th का सिलेबस है, अगर आप लोग 11th 12th बढ़िया पढ़ते हो तो मतलब आप लोग को सीएमए में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा सिलेबस हम लोग का वही था। तब से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट था कि हम लोग को आगे चल के अब यही करना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग को यही करना है। हम लोग के पास मिले लोग तो हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। फिर जब हम लोग फाउंडेशन में गए तो हम लोग को रियलिटी मालूम चला कि मतलब अगर हम लोग 11th 12th और भी ज़्यादा मेहनत करते रहो शायद इसमें हम लोग को मतलब 50% हमारा काम हो गया रहता, हम लोग को सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो यही सब है, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग को ये मौका मिला है, आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा, अभी आप 11th में हो, अभी आपको पूरा 12th बचा हुआ है, अगर आप चाहो तो अभी बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जो जितना सर पढ़ा रहे हैं ना सब पढ़िए। स्टैट सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं कि स्टैट में मन नहीं लगाते हैं, तो ये सब कुछ नहीं है, स्टैट पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि अगर आपको सीएमए या फिर सीए का कोई एग्ज़ाम निकाल सकता है ना तो स्टैट ही निकाल सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स का स्टैट आता है और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टैट, यही सब है। थैंक यू सर। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मीडियम के बारे में इनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, तो क्या इनको स्ट्रगल भी करना पड़ा या कैसे
कि इन्होंने किया हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए, वो सब बताएंगे ये खुद से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, मैं हिंदी मीडियम से था और मुझे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि टेंथ में ही मैंने इंग्लिश नहीं लिया था और मेरा पूरा इलेवेंथ इंग्लिश से गया था। जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मुझे मतलब लगा कि सब लोग इंग्लिश से कर रहे, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे इंग्लिश से ही लेना पड़ा क्योंकि मेरे दोस्त इंग्लिश से कर रहे थे और मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड बहुत ही मतलब बेकार था क्योंकि हम कभी इंग्लिश पढ़े ही नहीं थे और डर डर के हम इंग्लिश ले लिए कि चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा, कम से कम मतलब अगर अभी ले लेंगे तो फ्यूचर में तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में जाके हमें इंग्लिश ही पढ़ना है क्योंकि हिंदी का कोई स्कोप है ही नहीं, आप कहीं भी जाते हो तो आपको इंग्लिश ही मिलने वाला है। तो इंग्लिश तो ले लिया, अब डर रहे थे कि होगा क्या, तो धीरे धीरे ऐसे ही सर के पास से पढ़ना स्टार्ट किया। कोई भी मतलब वर्ड फंसता था तो हम गूगल है ही और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो इंग्लिश से डरना नहीं है, एक बार आप इंग्लिश लो और पढ़ना स्टार्ट करो, कंटिन्यूसली पढ़ो, डेली पढ़ो, आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम ही लोग उसको मुश्किल बना लेते हैं बोल बोल के कि इंग्लिश है इंग्लिश है। हिंदी वाले डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देख रहे हैं रिजल्ट सामने है, जो लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, आप आराम से रिजल्ट देंगे, बस आपकी कोशिश होनी चाहिए। लड़का क्या बोला कि सर हम कोशिश करते रहे अगर हमको कोई दिक्कत नहीं, हमेशा रोज यही करते रहते हैं, रोज कहते हैं कि अरे जरा कोशिश तो करो जनाब, कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि कोशिश ना करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, जानते हो ना। चलिए तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि सर जो सीएमए का एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, सीएमए सीए हो गया जो भी, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, क्या वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं उन बच्चों के द्वारा जो केवल गेस से पास हो रहे हैं, ट्वेल्थ में गेस मिल गया इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का हो गया। भाई जब तक, यहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक डिटेल में तुम कंसेप्ट को सीखते नहीं हो, एक्सप्लेनेशन उसका समझते नहीं हो, उसका जो मतलब कंसेप्ट होता है उस पर मेहनत नहीं करते हो, उसको एनालाइज नहीं करते हो, उसका विश्लेषण नहीं जानते हो, तब करता हूँ प्रोफेशनल लेवल का एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो जितने लोग भी गेस दे रहे हैं सर सावधान हो जाइए, और जितने बच्चे गेस से पढ़ाई कर रहे हैं आप भी सावधान हो जाइए, गेस से काम चलने वाला नहीं है, क्लासरूम में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाई होने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट पढ़ाई होने चाहिए, वो एनालिसिस वो विश्लेषण होना चाहिए। और मैं ये मैं खुद से नहीं कहूंगा बल्कि मैं चाहूंगा कि ये शिवू खुद बताए जो इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है कि सर क्या जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चन क्या केवल गेस से क्लियर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, जो भी मतलब जो भी बच्चे गेस के ऊपर डिपेंड है ना वो भूल जाए उनको लोग को, आप लोग के पास तो भी बहुत ज्यादा टाइम है, आप लोग को गेस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, वही ना, बुक पढ़िए कुछ आपके लिए, हर एक चैप्टर आपको आगे चल के हेल्प करेगा, वही जो एक एक आपको वर्ड प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, यही आगे चल के आपको एक चैप्टर के रूप में मिलेगा और वही आपको फ्यूचर में भी काम करेगा। गेस हमें मतलब यहाँ पे सिवान में बहुत सारे टीचर है जो सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, साल के लास्ट में क्वेश्चंस लिखवा देते हैं और गेस दे रहे थे कि यही आने वाला है, एटम बम है, तो इससे एग्जाम तो निकल जाएगा लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल सर उससे एग्जाम तो निकल जाएगा लेकिन फ्यूचर में मतलब मैं सोचता हूँ उन लड़कों के बारे में कि उनका क्या होगा आगे चल के, क्योंकि वही सब अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वही आपको सीएमए में पढ़ना है, वही आपको सीए में पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स तो हम सबको मतलब शौक से पढ़ना चाहिए क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें हमको डिमांड पढ़ना है, सप्लाई पढ़ना है, मार्केट पढ़ना है, बैंक के बारे में पढ़ना है, और रियल हर एक टॉपिक हम लोग का रियल लाइफ से रिलेट करता है, तो इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना ही चाहिए। फिर हम मतलब मैं सर का बहुत ज़्यादा करना चाहूँगा क्योंकि सर ने जो हम लोग को पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पार्ट टू हम लोग का होता है जिसमें बैंकिंग के बारे में होता है, वो हम लोग को इतना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ कि हम लोग को मतलब लगता है कि सीएमए में उसके लिए हम लोग को ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ा, मतलब सारा वही है, बैंक पूरा इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ वही रहता है, मनी बैंकिंग सब वही रहता है। केवल एक एक घंटा के पढ़ाई से ये सब पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं सर, और हम लोग के यहाँ पे एक और रिवाज चलता है सिवान में कि
एक घंटा हम लोग वही सोच रहे थे लोग 11th में जब हम लोग थे लोग कि एक घंटा से कोई कैसे निकल जाएगा। फिर हम लोग का जो जो साइंस वाले जो फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग भी हम लोग को बहुत ज्यादा टाना मारते हैं कि तुम लोग हाँ, और तुम लोग एक घंटे में क्या पढ़ लोगे, तुम लोग का क्या होगा, हाँ कभी बराबरी नहीं कर पाओगे। आज वही है, देखते हैं हम उन लोग को क्या कर रहे हैं। दूसरों के चक्कर में मत रहो, अपना देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितना टीचर बता रहे उतना पढ़ो, कंटिन्यूअसली पढ़ो, और जो है तुम्हारा एजुकेशन है, बाकी तुमको कोई तुमको मतलब पेरेंट्स का पैसा कुछ काम नहीं आने वाला है। तुम जितना तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तुम उतना फ्यूचर में आगे जाओगे। ये लड़का जो है सीएमए फाउंडेशन करे कि ना करे, इसके लिए भी मतलब अभी दुविधा में है कि सर क्या करे क्या नहीं करे, है ना। मुझे एहसास होता है एक टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म कर देना कैसे भी है, बल्कि टीचर होने का मतलब ये हुआ कि सर उस सिलेबस के साथ साथ जो भी चीजें हो सकती है उसके रिलेटेड वो सारी बातें भी साथ साथ बताते चले। हम देखते हैं सुनने को मिलता है कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर मजा बहुत आता है वहाँ। अरे यार मजा क्योंकि खाली समय में मान लीजिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बीच में जब तक कॉपी कर रहे हैं बच्चे उसको क्वेश्चन को, तब तक मेरा यहाँ तक समझ में आता है कि बीइंग अ टीचर मुझे एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए उस 2-5 मिनट में, जो मोटिवेशनल बातें होती हैं, जो करियर से रिलेटेड बातें होती हैं वो सब बताते रहना चाहिए बीच बीच में, ना कि लगे गाना करने शायरी मारने और ये सब करने भोजपुरी गाना। कहने का अर्थ ये है कि सर सही समय पर सही गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और सही गाइडेंस दिया जाता है तभी तो ऐसे सितारे निकल के आते हैं। तो और अब हमारे पानी साहब जो है देखिए इनके बारे में बता दे कि ये फैमिली से बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन होने के बावजूद बिजनेसमैन कहते ही एक समय एक चीज दिमाग में आता है कि सर टाइम तो नहीं मिलता होगा, और ऐसी परिस्थिति में भी चूंकि टाइम नहीं मिलता है लेकिन फिर भी खुद को मैनेज करते हुए कैसे इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है ये मैं इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा। जैसा सर ने बताया कि बिजनेसमैन से जो है टाइम नहीं मिलता है, जैसे 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक जो है बिजनेस में बिजी रहते हैं इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, और उसके बाद से जो है रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम तैयारी करते हैं, और इसी में मेरा जो है सीएमए फाउंडेशन निकला है और इसमें सीएमए फाउंडेशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप 2 महीने भी अगर तैयारी करें ना, और अगर आपका 11 और 12 दोनों मजबूत है तो आपको जैसे 4 पेपर होता है, 4 पेपर होता है इसमें 2 पेपर जो है आसानी से निकल जाएगा अगर आपका 11 और 12 दोनों मजबूत है तो। सिर्फ आपको लॉ और मैथ्स ये 2 चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और इसको ध्यान देना पड़ेगा, उसके अलावा बाकी इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है अगर आपका 11 और 12 मजबूत है तो। डरने की जरूरत मतलब नहीं है, फालतू का लोग हवा बना के रखे हैं, हवा नहीं है क्या है हलवा तो डरना नहीं है, समझ गए बात। देखो चलो आगे कुछ कहिए और क्या स्ट्रेटजी रहा एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान कि कैसे पढ़ाई करनी है, उस लिमिटेड टाइम में खुद को कैसे मैनेज करना है इतना सारा काम होने के बावजूद, वो सब बताइए बच्चों को ताकि समझ में आए कि इन बच्चों को तो कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिला, होमवर्क कोई कोई कंप्लीट करके नहीं लाता है क्या, तो सर टाइम ही नहीं मिला, कहाँ टाइम बिजी था तो मोबाइल में, थोड़ा ये सब भी बताइए कि इनको सही समझ में आए सही गाइडेंस मिले। सबसे जरूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, अगर वो रहेगा तभी आपको लाइफ में कुछ भी सक्सेस है या कुछ भी है वो आपको अचीव कर पाइएगा, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप मैनेज कर सकते हैं उतना करिए और लगातार करिए, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। वेरी गुड कंसिस्टेंसी, इन्होंने कहा कि सर कंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, आपको कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारा बच्चों को हम मोटिवेट करते रहते हैं तो कुछ बच्चे जो है लेकिन
चाहूँगा कि मोटिवेशन सिर्फ दो दिनों के लिए नहीं होनी चाहिए सर, हम एक्चुअली में मोटिवेट नहीं बल्कि आपको इंस्पायर करना चाहते हैं, आप लोगों से इंस्पायरेशन लीजिए बढ़िया तरीके का। और सर एक दिन के मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला है कि कोई एक दिन मोटिवेट कर दिया आप, दो दिन खूब जम के पढ़ाई किए, तीसरा दिन तो भी ऐसा कर दिया, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है सर, कंसिस्टेंट वे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए बच्चे ने कहा कि सर 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे शाम तक लगातार दुकान पे रहना पड़ता है और दुकान बेहतर चलता है तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है कि बीच में निकाल के समय थोड़ा पढ़ लिए, ऐसा भी नहीं है। उसके बावजूद उसने लिमिटेड टाइम में खुद को कैसे मैनेज करके इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करना, आप लोग के पास तो फिर भी कोई काम नहीं है, क्या कहते हो? फिर भी कोई काम नहीं है, गार्जियन ने कहा है बाबू तुम कुछ मत करो सिर्फ पढ़ाई करो, और उसके बावजूद भी अगर आपसे आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं हो पाती हैं तो फिर सर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जरा मैं यही कहूंगा इन लोगों से कि ये स्टूडेंट कोई बहुत बताया इन लोगों ने अपना एकेडमिक्स कैसा रहा कैसा नहीं रहा, समझ में आया? तो ये मिशन नहीं है कि यहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ से पढ़ के आए हैं, सिंपल से पढ़ाई किया, कहने का मतलब कि आगे आने वाला एग्जाम तभी निकल सकता है जब तक आपका बैकग्राउंड मतलब कि आपका जो एकेडमिक्स है वो क्लियर होना चाहिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। जैसे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 11th का अकाउंट्स, जैसे मैं बता दूं कि फाउंडेशन का एग्जाम में 11th का अकाउंट से लमसम 75% 11th का जो स्टैट्स है और अकाउंट्स है वो स्टैट्स तो पूरा स्टैट्स तो मतलब कि फाउंडेशन में पूछता है 60 नंबर का, तो जो स्टैट्स आप लोग पढ़े वो पूरा सिलेबस दिया हुआ है फाउंडेशन में 11th वाला, अकाउंट 75% दिया हुआ है 11th वाला अकाउंट 75% दिया हुआ है, तो 11th का अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ये वहां पे मदद करेगा, क्योंकि वहां पे तो टीचर जानता है कि आप पढ़ के आए हैं तो उस कॉन्सेप्ट से पढ़ाना शुरू करेगा। तो होगा क्या क्या अगर आप 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, गेट से पास कर गए हैं, तो बहुत हद तक सा आपका मतलब अटेम्प्ट लगने लगेगा, आप सक्सेस जल्दी नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट लगने से मनोबल टूटता है, इसलिए 11th 12th फिर से आपका मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट मिलाकर 12 का बिजनेस स्टडी मिलाकर 100 नंबर का पूछता है, तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक वाइज ही नहीं कि यहां पे 12 में टेस्ट दे दिए पास कर गए वैसा नहीं, और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम होता है तो डायग्राम ये सब एग्जाम में नहीं आता है तो पढ़ना जरूरी है, तो ये भी कई लोग टाल देते हैं, समझ में है ना? अब या तो अपनी इफिशियंसी से कहते हो, टाइम ना मिलता हो या नॉलेज ना हो ये अलग बात है, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक टॉपिक पढ़ें तो कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ें, क्योंकि वही कंसेप्ट यहाँ काम आता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉपर्स गए होते हैं, सब अच्छे स्टूडेंट गए होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट गए होते हैं, तो सब लोग आसानी से समझ जाते हैं बातों को, तो आपका एकेडमिक 11 12 में जितना बढ़िया हुआ होगा वो आपको मदद करेगा फाउंडेशन के एग्जाम को निकालने में। तो और इसी बीच कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कई लोग ठंडा से नहीं आ रहे हैं, ठंडा से नहीं आ रहे तो अब ये सब कंसेप्ट आपका कमजोर होगा, जिसके कारण आपका वहाँ इफेक्ट पड़ेगा आने वाले भविष्य में, आपका इफेक्ट जरूर डालेगा एक एक दिन। जैसे मैंने एक जगह मोटिवेशन पढ़ा था कि कोई कहता है कि एक दिन मैं सिगरेट पी लेता हूँ तो उससे मेरे मुझे कैंसर थोड़े हो जाएगा, तो एक एक दिन करते करते वो एक जमाव हो जाता है, उसका एक जमाव हो जाता है जो बड़ा बीमारी का कारण बनता है, तो ये एक एक दिन आपका गैप क्लासेस में आपका वहाँ कैंसर साबित हो सकता है, जो आपको बड़े एग्जाम निकालने में आपको दुविधा कर सकता है, आपको कठिनाइयाँ सामने आ सकता है आपके सामने, क्योंकि बाकी सारी कठिनाइयाँ हम पार कर जाते हैं लेकिन ये कंसेप्ट की क्लियरिटी ना होना हम लोग को बस नहीं होता। एक बार जब इस उम्र में कुछ कहानी नहीं बनती है तो आने वाले उम्र में कुछ नहीं कहानी बनती है, कहानी अभी बनाना पड़ता है, इसी उम्र में बनाना पड़ता है, समझ में ना? बहुत बहुत अरसे बाद 30-40 साल हो जाना 40 साल हो जाने के बाद कहानी नहीं बनता है, इसी उम्र के लड़के लड़कियां कहानी बनाते, समझ में आया ना? तो सही चीज है कि
कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है जब आप एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो बड़े से बड़े एग्जाम निकालने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ये सो वगैरह के चक्कर में ना रखिए, समझ में। अभी 12 का एग्जाम होने वाला है, हम कई लड़कों से मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ाई किया, तो बहुत लड़के बताते हैं सर ये पीएस मिला है, इसी में से आएगा सर बोले हैं, और मैं भी आ भी जाए, मैं भी नहीं भी आए, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट कहाँ गया, उनसे बड़ा एग्जाम कोई तो निकलने वाला है नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है कम से कम कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ाई करें। अगर बुक ले जाए अपना, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ें, अदरवाइज ना पढ़ें। सिंपल सा बात यही है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद अपना बुक ले जाएं, बुक खरीदें, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का, ईपीएस का बुक खरीदें और क्लास में बुक लेकर जाएं और क्लास में कहें कि हमको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये नहीं होता है तो सीधा समय मैसेज देता हूँ सारे स्टूडेंट को, हर जगह के स्टूडेंट को, कि ऐसे अगर नहीं होता है तो वहाँ क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही पास क्लास करें, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ अगर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अगर टॉपिक्स फिल किए जाते हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो डेमो क्लास में ही समझ में आ जाएगा, देन आप क्लास करना शुरू कर दें। तो अभी अभी यहाँ पे भी कॉमर्स 2.0 में 17 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि रवि सर ने कहा कि 17 जनवरी से 12 का नया बैच शुरू हो रहा है कॉमर्स 2.0 में, तो कॉमर्स 2.0 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज 2 घंटे 2 सब्जेक्ट और 2 टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है आगे आने वाली पढ़ाई में। 2 घंटा अगर आप नहीं पढ़ते हैं कम से कम कोचिंग में, तो सर 1 घंटे से तो 3 सब्जेक्ट हो नहीं पाएगा, पहली बात। फिर वही हो जाएगी ऊपर ऊपर वाली बात, और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो भूल जाइए कि सर फाउंडेशन लेवल का, CA CMA लेवल का आप एग्जाम कोई क्लियर कर पाएंगे। बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड का पैटर्न इतना आसान हो गया है कि सर कुर्सी बेंच सब पास हो जा रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, कुर्सी बेंच सब पास हो जा रहा है, बहुत सालों से बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर रिजल्ट इसे कहते हैं, देखो आपके सामने दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो बहुत जरूरी है सही समय पर सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, और जैसा कि हमेशा कहते रहते हैं कि कॉमर्स 2.0 है तो मुमकिन है, ठीक है सर। यहाँ पर आपको ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ये वो सारी चीजें बताई जाएंगी समय रहते ही, ये नहीं कि समय पार हो गया आप क्या करें। और ये सब जो चीज है आप देख रहे हैं, ये नॉट ओनली फॉर 12th स्टूडेंट्स, 11th से ही आपको ध्यान देना होगा ये सारी चीजें। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि 11th क्लास से मैक्सिमम सिलेबस फाउंडेशन में पूछता है, 11th का स्टैट्स, 11th का अकाउंटेंसी, यस। और अभी मैं चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ किसी का भी अगर कोई सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, और ये लोग अपने से आंसर देंगे। यस यू। इनका सवाल है कि सर फाउंडेशन में इतना ब्रॉड सिलेबस होता है और टाइम बहुत कम रहता है, तो वैसे सिचुएशन में इतना ब्रॉड सिलेबस और टाइम बहुत ही लिमिटेड, तो कैसे, क्या स्ट्रेटजी इनका रहा शिवू का कि उन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया? जी सर, बिल्कुल सर, टाइम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहता है, और उसमें भी क्लासेस रहते हैं 6-7 घंटे के डेली क्लासेस रहते हैं, और उसके बाद भी क्लास ख़त्म होने के बाद सेल्फ स्टडी करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्लास में इतना ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। फिर आदमी जब हम सोचते हैं अपने मतलब एंड रिजल्ट के बारे में, फिर मोटिवेशन आता है। और डेली स्ट्रेटजी के बारे में, तो फिर हम जैसे मेरा क्लास था 9 बजे से स्टार्ट होके शाम को 4 या 5 बजे तक था, तो मैं सुबह 6 बजे तो मैं डेली उठ जाता था, और उसके बाद से मैं डेली 6 बजे उठ के आराम से 7-7:30 बजे तक मतलब मुँह हाथ धो के ब्रश व्रश करके नाश्ता वास्ता करके रेडी रहता था। उसके बाद से जो मतलब जो नेक्स्ट डे मतलब पहले दिन जो हम लोग का पढ़ाई होता था उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन तो मतलब कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो और जब अगले दिन आप फिर से वही पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर ऐसा मतलब कोई किसी के पास साइंटिस्ट नहीं है कोई भी, कि जिसको मतलब एक बार पढ़ लिया तो वो हमेशा याद रहने वाला है। सबको रिवाइज करना जरूरी होता है,
और उसके बाद से 4-5 बजे तक क्लासेस रहते हैं, तो फिर आराम से 1-1.5 घंटे का ब्रेक लो, आराम से थोड़ा देर आराम करो, बाहर घुमाओ, उसके बाद फिर घर पे आओ, फिर अपना एक 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 कर कर जितना भी आपका सिलेबस है अपना होमवर्क देखो कि आज क्लास में क्या पढ़ाई हुआ है, उसको आप रिवाइज करो, उसको आप पढ़ो फिर से आराम से, आपको मतलब 7-8 बजे तक पढ़ना है, फिर एक बार आप शाम का जो डिनर कर लिया उसके बाद फिर से एक बार बैठिए, भले ही उसको मतलब कुछ थोड़ा सा ही पढ़िए बट पढ़िए, वही मतलब आपके मतलब काम आएंगे। और अगर आप इतना कर लेते हैं डेली बेसिस पे तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, बस आपको टॉपिक देखना रहेगा और क्लियर करना रहेगा। ओके सर, थैंक यू। मतलब इन्होंने कहा कि कुल मिला जुला के दो ही स्ट्रेटजी है सर, एक तो आपको कंसिस्टेंट पढ़ाई करना है, होमवर्क डेली बेसिस पर करना है, और रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है, मतलब रिवीजन 2 बार 3 बार 4 बार पहले तो डेली बेसिस पे करना है, उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है तो कंप्लीट होने के बाद आप सिलेबस को कितनी बार रिवाइज किए हैं ये भी मैटर करता है। तो रिजल्ट लाना किसी भी चीज़ का कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट आ सकता है, बस 3 सिंपल फार्मूला है, पहला होमवर्क डेली करना, क्लास डेली करना, होमवर्क डेली करना, दूसरा डेली बेसिस पे जो पढ़ाई हो रहा है हर पिछले दिन का पढ़ाई जो है वो रिवीजन करना, और तीसरा कि सर कंसिस्टेंसी बना के रखना, ये नहीं कि 2-4 दिन मोटिवेट है तो कर लिए उसके बाद फिर ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है, समझ रहे बात। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला सिंपल है। और किसी का कोई सवाल, एनीवन? यस, तो मुझे पूछना है कि सब आपके फ्रेंड्स कहते थे कि कॉमर्स क्यों लिए हो, कैसे सब्जेक्ट है आपकी फैमिली, तो आपने इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया तो कैसे रिएक्शन? जैसे मेरे फैमिली में हम पहले जो है जिसने कॉमर्स लिया है और इसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, और जो मेरा रिजल्ट भी है इसमें भी मेरे मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता है इस रिजल्ट के बारे में, और जब मैं बोलता हूँ अवेयरनेस की कमी है, जब मैं बोलता हूँ कि मेरा ये रिजल्ट हुआ तो इसका क्या होता है, ये क्या है, तो मैं उसको मैं उन लोगों को बताता हूँ, जैसे सीए होता है वैसे ही एक सीएमए भी होता है, और किसी का भी मैंने पहले फाउंडेशन एग्ज़ाम निकाला है और आगे निकालना है एग्ज़ाम, इसमें जो और लेवल है सो करने के बाद से जो है मैं सीएमए बन जाऊँगा, और मेरे नाम के आगे एक प्रीफिक्स सीएमए दानिश रजा, और उसकी मेहनत और काम मुझे वो नाम वो अचीव करना है, और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम के आगे ये वर्ड जुड़े, और इसीलिए मैं इतना मेहनत करना चाहता हूं और करूंगा इन सब। चलिए, तो मैं ये रिएक्शन जानना चाहूंगा, जैसा इनका सवाल था कि क्या जब आप कॉमर्स लिए थे तो उस समय पर जो लोगों का रिएक्शन था, और अभी रिजल्ट आ गया है तो आपको अंदर से क्या एहसास हो रहा है उस समय का और अभी का, मैं ये जानना चाहूंगा, बताइए। सबसे पहले तो दिक्कत कॉमर्स वाले लोगों की भी है, क्योंकि होता क्या है कि कॉमर्स ले लेते हैं और सही से पढ़ाई करते हैं नहीं, और जब एंड में रिजल्ट नहीं आता है तो वो लोग कॉमर्स को ही कोसने लगते हैं कि यार कॉमर्स में कुछ नहीं रखा है, कॉमर्स में कुछ नहीं रखा है। अरे यार, जो कामयाबी है ना मेरे दोस्त, वो किसी साइंस में और कॉमर्स में और आर्ट्स में नहीं है, बल्कि कामयाबी आपके मेहनत के पीछे छुपी हुई है। अब जिस फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो तो उसके अंदर आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और इसके अंदर है कि लोग बहुत सारे लोगों का रिएक्शन भी रहा, बहुत सारे लोगों ने भी पूछा कि किस चीज़ का रिजल्ट है, तो मैंने बतलाया कि हाँ सीएमए है, ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उन लोगों का रिएक्शन रहा और मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आया, और जो मेरा पहला स्टेप था फाउंडेशन का उसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर मैं इसी तरीके से कंसिस्टेंटली अपने मेहनत को कंटिन्यू रखा तो जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट होगा इससे और बेहतर होगा। एक्चुअली देखिए, कॉन्सेप्ट होता है 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो एक्चुअली क्वेश्चन वहां से अराइज होता है कि कुछ एक वर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, बल्कि उसको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो चार्ज होता है। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी दिखाइए, आंसर वही आएगा। और इस चीज को पिछले क्लास में, पिछले 12th क्लास में जब ये लोग पढ़ रहे थे तो कुछ लोग आए थे हमारे पास बीच में 12th क्लास में, उन लोगों को मैंने गलत साबित करके दिखाया
आया था कि सर यहाँ पर कुछ टीचर लोग हैं जो कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा, उनके कॉपी में लिखा हुआ था, बल्कि मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ये कंसेप्ट गलत है। समझ में आ रहा है? तो ये वही बात को रिपीट कर रहे थे, तो आया समझ में बात? आंसर केवल लाने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है उस पर फोकस करें। ठीक है, ये 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट था एक्चुअली। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? एनीवन? यस, पूछिए। यस, नाइस क्वेश्चन कि सर सर थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें? बहुत बड़ा सवाल, कॉमर्स स्टूडेंट थ्योरी को इग्नोर मारते हैं, बिल्कुल इग्नोर मारते हैं, बहुत गंदा लगता है थ्योरी पढ़ना, है ना जी। लेकिन ये बच्चे कैसे थ्योरी को तैयार किए हैं, आइए जरा जानते हैं इन्हीं से, क्योंकि CMA में भी थ्योरी काफी था, 12th में भी थ्योरी था। जहाँ तक बिजनेस स्टडी का भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है रिवीजन, जब तक आप रिवीजन कीजिएगा तब तक याद रहेगा आपको। और बिजनेस भाई थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें भूलना थोड़ा ये है कि आदमी भूल जाता है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसा कि बिजनेस स्टडी का हम अपना बताओ, 12th क्लास में तो वैसे तो रिवीजन में बहुत कम करता था पहले, और क्या हुआ कि जब क्लास में यहाँ पर टेस्ट हुआ तो बिजनेस स्टडी में बहुत ही बेकार नंबर आया मेरा, जैसा कि पहले के स्टूडेंट, और सर ने हमें तो भाई पूरा क्लास में मतलब बेकार लगाया हमको। लेकिन जब 12th का मेरा रिजल्ट आया तो भाई 12th में मेरा बिजनेस स्टडी में 94 मार्क्स आ गया भाई। अब किस चीज़ का रिवीजन के बेस पे रिवीजन इतना किया मैंने, ये पहला टेस्ट हुआ जब यहाँ पे तो टॉप 5 से बाहर आ गया आसिफ, तो मैंने इसको बोली और खोटी सुनाया इसको कि बहुत सारा बात सुनाया कि क्या तुम लोग कर रहे हो, क्या मतलब आगे क्या करना है PST में। और ये भी थोड़ा था मीडियम का दिक्कत कि हिंदी से इंग्लिश में आया था, तो पहला टेस्ट दिया था तो टॉप 5 से बाहर आ गया था, तो मैंने इसको बहुत खरी खोटी सुनाया। उसके बाद इस बंदे ने मेहनत चालू किया, काफ़ी मेहनत किया, और फिर से बिजनेस स्टडी का टॉप 5 में आया, एंड देन जब एग्ज़ाम दिया 12th का तो 94 मार्क्स इन बिजनेस स्टडी, 94 नंबर बिजनेस स्टडी में आया, जो भी स्टूडेंट कहते हैं हिंदी से इंग्लिश में प्रमोट होने के बाद। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, और रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिवीजन तभी पॉसिबल, रिवीजन करने का तभी मन करेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का फीचर्स, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, तभी रिवीजन करने का मन करेगा। अदरवाइज ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिवीजन करने का मन भी नहीं करेगा, तब आप गेस की तरफ भागेंगे, तो वहां तो 12th का एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली इन प्रोफेशनल एग्जाम में आप स्कोर नहीं कर पाइएगा, वहां नहीं कर पाइएगा। समझ में ना, नहीं तो आज देख लीजिए 12th का रिजल्ट आता है ना बिहार बोर्ड का, कई टीचर गुलाटियां मारते हैं। अब फाउंडेशन का रिजल्ट आया ना तो सुन लीजिए सिवान का क्या समाचार है। समझ में आया ना, तो किसी के वहां सुनने को तो नहीं मिलता होगा। समझ में आया, नहीं तो देखने को मिल ही जाता, सुनने को मिल ही जाता। तो ये सारी चीजें हैं कि कंसेप्ट क्लियर, थ्योरी सब्जेक्ट के कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, तो ही रिविजन करने का मन करेगा। रिविजन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रिविजन करने का मन नहीं करेगा। समझ में आया ना, तो गेस की तरफ आप भागेंगे। समझ में आया, चलिए। तो बुक बेचने वाले से ज्यादा गेस पेपर बेचने वाले कमा रहे हैं आजकल के, हम तो यही देख रहे हैं कि जितना बुक नहीं बिक रहा है उससे ज्यादा गेस बेच रहा है, मॉडल पेपर बिक रहा है। समझ में आया ना, तो ये कारण यही है। कई सारे लड़के मैं पूछता हूँ, बहुत सारे लड़कों को सेंटर पर जाता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ कि तुमने इकोनॉमिक्स का किताब खरीदा था, बिजनेस स्टडी का किताब खरीदा था, वो बोलता है कि नहीं सर, बोले थे गेस देंगे, वही होगा, वही आएगा, हो गया। बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स का किताब ही नहीं खरीदता है सब, तो वो उसका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा, वो रिवीजन क्या करेगा, वो तो गेस ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? Yes. और किसी का कोई सवाल हो तो बोलिए। एनीवन? हाँ, किसी और का सवाल? चलिए देखिए, एक ही दिन में टोटल एग्जाम के दिन की स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं कि एग्जाम के दिन सारा पेपर एक ही दिन करना होता है, तो सर एक ही दिन में सारा पेपर का लोड माइंड पे रख के चलना एग्जाम देना, इट्स रियली टफ। सर हम लोग तो साधारण तौर पे बचपन से एक दिन में एक ही पेपर देते हैं, ही सब्जेक्ट का लोड लेके चलते हैं, लेकिन ये बच्चे एक ही दिन में चारों पेपर क्लियर, एक ही दिन में चारों पेपर का एग्जाम दिए हैं, कैसे अपने आप को ये लोग तैयार किए उसके लिए जरा इन्हीं से जानते हैं। बोलिए जी सर।
लोग को भी जब हम लोग भी जब सुने थे लोग कि एक ही दिन में चारों पेपर रहेंगे और बीच में बस 2 घंटे का गैप मिलने वाला है, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि भाई कैसे होगा, क्योंकि 2 घंटे में तो रिवाइज होना इम्पॉसिबल है। फिर मतलब हम लोग को मतलब पता था कि भाई 2 घंटे में कोई रिविज़न कर ही नहीं सकता है, जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वही हम लोग को पहले से मतलब जो हम 6 महीना पढ़ के आए हैं ना वही अब लिखना है। अब हम मतलब दोबारा अब हम कुछ मतलब रिवाइज कर ही नहीं सकते, जो होगा वो ऊपर एक बार देख लेंगे। तो मैंने जैसा कि पिछली बार बोला आप लोग को कि आप क्या पढ़ते हो पहले वही आपका मतलब रिजल्ट डिसाइड करता है कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। मतलब आप पूरा 6 महीना अगर आप बढ़िया से पढ़े हो ना तो वो 2 घंटे में आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और वहाँ के मतलब रिएक्शन का तो सब लोग ही डरे हुए होते हैं क्योंकि सबको ही पहली बार जाता है एग्ज़ाम देने, और बस यही सब होता है। ये सब पहली बार में एग्जाम क्लियर ये लोग किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, है ना। और जो आपके सामने स्टूडेंट देख रहे हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाए हैं, तो इसके लिए एक बार इनका जोरदार स्वागत। देखिए 12th क्लास में 450-450 नंबर लाने से केवल काम नहीं चलेगा सर, बल्कि वो तो हम जैसे कि कहे कि कुर्सी बेंच आजकल सब पास हो रहा है, तो 12th क्लास में नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अरे यार इसमें मात्र 40 नंबर लाना होता है 100 में, 40 नंबर नहीं आता है जल्दी, समझ 40 नंबर लाना है बस, और ओवरऑल 50% मात्र 50%, 400 में 200। और आपको आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि 400 में 200 नंबर जैसे रवि सर ने कहा, तो हमारे यहाँ दो और स्टूडेंट हैं जिनका 200 नंबर और उससे पार आया है रिजल्ट, बट उन लोगों का क्या हुआ है कि 40 से कम एक सब्जेक्ट में रह गया है, क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट में 40 आपका पार होना चाहिए और ओवरऑल मिला के 50% पार होना चाहिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट मिला के 50%, लेकिन हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% जरूर आना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है इन सभी एग्जामिनेशन का। तो दो हमारे स्टूडेंट और भी हैं जो जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, रिजल्ट अगर मेरे नज़र से देखें तब तो वो लोग भाई क्लियर है, रिजल्ट उनका क्लियर है, ठीक है। लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है कि हर सब्जेक्ट में 40 आना चाहिए और ओवरऑल 50% पार, तो एक स्टूडेंट का एग्जैक्ट 200 रिजल्ट आया है जिनका, और एक का रिजल्ट आया है 232 नंबर। तो देखा जाए तो क्लियर है रिजल्ट, क्लियर है रिजल्ट, लेकिन जिसका 200 नंबर आया है उसका 32 नंबर आया। सबका रिजल्ट हो रहा है, कोई नहीं फंसने वाला है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन की तैयारी खुद किया है, मैंने खुद क्लियर किया है, मैं जानता हूं कि फाउंडेशन लेवल पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, और जो लोग पास नहीं हुए जो लोग पास हुए उन सबकी पढ़ने का तरीका मैंने देखा, और मैंने खुद का भी तरीका देखा है, अपने पढ़ने का तरीका क्या था, कैसे मैंने क्लियर किया, मैंने देखा अपने स्टूडेंट को कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सर सबका रिजल्ट हो जाएगा। मैंने रवि सर से कहा था, रवि सर पूछते थे कि पता नहीं डर लग रहा है सुनने की नहीं, हम बोले कि सर सबका रिजल्ट जाएगा, हम जानते हैं फाउंडेशन लेवल पे बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जो कर रहे हैं सबका रिजल्ट हो जाएगा, तय है। यस तो देखिए कुल मिला जुला के 3 साल का मेहनत है, 3 साल भी कहा, 2 साल और 1 साल इंटर 1 साल फाइनल, तो कुल मिला जुला करके 2 से 2.5 साल का अब इन लोगों का मेहनत रह गया है, 2 से 2.5 साल बस, 6 महीना का था ये फाउंडेशन क्लियर हो गया, 1 साल का इंटर और बीच में ट्रेनिंग होगा 15 महीने का, और उसी बीच
इनका जैसे ही इंटर्नशिप यानी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, उसी समय पर, ठीक है, एग्जैक्ट उसी समय पर फाइनल का एग्जाम आएगा और ये लोग फाइनल का एग्जाम देंगे एंड दे बिकम CMA एंड मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपको बता दें कि अगर आप ओवरऑल टाइम जोड़ते हैं तो 2.5 से 3 साल लगता है, 2.5 से 3 साल बस। नॉर्मली ग्रेजुएशन का डिग्री अगर आप करने जाते हैं तो 3 साल के आप तो 4 साल का हो गया। 4 साल पर आपको एक नॉर्मल सा डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन का, जिसका मार्केट वैल्यू अभी के समय में अगर बात करें तो जॉब लेने अगर आप जाते हैं तो उस मार्केट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जॉब लेने अगर आप जाते हैं तो 25,000-30,000। BBA करने जाते हैं, BCA करने जाते हैं, क्या आपको सैलरी मिलेगा? 20,000-25,000-30,000-35,000 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन उससे कम समय में CMA की डिग्री हो जाने वाली है, उससे कम समय में, 3 साल 4 साल नहीं लगेगा अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं और एक एक बार में सीरियसली एग्जाम क्लियर कर लेते हैं सारा, तो 2.5 से 3 साल एग्जाम क्लियर। और जानते हैं क्या लगता है, कभी आप लोगों ने पता किया है पैकेज कितने का लग सकता है एवरेज, या आप लोगों का कितना लग सकता है, कुछ उम्मीद किया है? एवरेज तो आराम से 12 लाख का, और जो हाईएस्ट का लगा था वो बहुत ही अच्छा लगा था, वो 27 लाख का लगा था। और 22 और 23 ईयर्स की एज में इतना अच्छा पैकेज, मैं सोचता हूँ कि उसको कितना प्राउड होता होगा जब वो अपने दोस्तों को देखता होगा 20,000-25,000 कमाते हुए और वो 1.5-2 लाख का पैकेज। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आम जिंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, जिंदगी सिर्फ काटने के लिए नहीं बनी है, जिंदगी जीने के लिए बनी है। और जिंदगी अगर बेहतर जीना चाहते हैं तो सर 2-3 साल तो मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 साल तो मेहनत करना पड़ेगा। ईमानदारी से 2-3 साल मेहनत कर लिए, उसके बाद जिंदगी जिसको कहते हैं जीना वो करोगे। अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी, सब कुछ, अच्छा वर्ल्ड टूर, मतलब सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सब कुछ एक ही चीज से हो सकता है, बेहतर पढ़ाई से। बेहतर पढ़ाई से एकमात्र साधन है सर, बेहतर पढ़ाई। हमेशा हम कहते रहते हैं कि 2-3 साल यही समय है, यही 2-3 साल कुछ लोग मोबाइल पर रील्स देख के निकाल देंगे, कुछ लोग रील्स बना के निकाल देंगे, तन ज्यादा स्टैंडर्ड जो बनते हैं रील्स बनाते हैं, और यही तो 3 साल में कोई बढ़िया से पढ़ के लाखों का पैकेज उठाएगा सर। और मुझे उम्मीद है पूरा कि जैसे ये बच्चे कर रहे हैं परफॉर्मेंस, जितने बेहतर रिजल्ट लाए हैं इनका, 10-12 लाख-15 लाख का एवरेज कौन कहे सर, हाईएस्ट पैकेज में इनकी गिनती होगी। यस, और इसकी शुभकामनाएं है मेरे तरफ से। और इस बात के लिए मैं इन लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा कि सर इतना बेहतर ही लोग रिजल्ट लाए हैं, और इससे मेरा मोटिवेशन जो है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है, वो यहाँ से आज यहाँ पहुँच गया है। समझ रहे हो क्या? तो बस कॉमर्स 2.0 है तो मुमकिन है, कॉमर्स 2.0 में आप आइए, विजिट कीजिए, एक बार क्लास करके देखिए, आपको वो सारे गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप भी एक दिन, आप सब भी इस तरीके से हमारे सामने खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, और आप भी आने वाले अगले क्लास को ऐसे लेक्चर दे रहे होंगे। तो कैसा लग रहा है अभी ये सारी बातें बोल करके? 6 महीना पहले, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 6 महीना पहले और 6 महीना के बाद, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में इस स्थिति में कितना फीलिंग में अंतर है, ये मैं जानना चाहूँगा। फीलिंग का तो मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं कि मतलब खुशी मिला जब हम लोग का जब रिजल्ट आया था। और सबसे अच्छा बात, रिजल्ट एक अलग उसकी खुशी होती है, जब पेरेंट्स का रिएक्शन देखते हैं तो उसका खुशी, मतलब उसका जो लिमिट होता है वो कोई अनलिमिटेड है वो। मतलब जब आप अपने पेरेंट्स को बताते हो कि मेरा 400 में से इतना आया, मतलब वो एक खुशी का कोई लेवल ही नहीं होता है। और बस यही सब है। ये बात आसिफ से पूछना चाहूँगा, चूँकि इसने बहुत सारा ट्रबल देखा पिछले 6 महीने में अपने फैमिली से रिलेटेड, तो इसके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, ये मैं जानना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सच बताओ तो हमने बेकार भी इतना बेची थे कि हमको मालूम ही नहीं था कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। हमको सेबू अपना रिजल्ट देख के मेरे पास कॉल कर ले कि आज रिजल्ट आ गया। बोला रिजल्ट आ गया तो हाँ रिजल्ट आ गया, बोले फिर लिंक मुझे पता है। अब दुकान में बैठे थे, कस्टमर भी आए खड़ा था, मैं 2 मिनट रुका बोले रिजल्ट चेक कर रहे थे, तो दुकान में रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो 46 लिख रहा है। रिजल्ट देख के अभी पास पे लिख रहे, पास पे नहीं लिख रहा है, फिर कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा था, फिर सिर्फ पास कॉल करता कि भाई पास पे लिखा नहीं है यार, 246 लिखा है लेकिन पास पे नहीं लिखा है, और 2 मिनट आ गया यार पास हो गया, कोई बात नहीं है। तुरंत दुकान से निकले, वो बाहर घर में गए, घर में जाकर मम्मी से बता रहे मैं पास नहीं, तो एकदम अचानक कहीं दौड़ के मिल गई, मेरा बेटा बहुत मेहनत किया पास हो गया बहुत, उसके बोल के दादी को।
उसके बाद तुरंत दादी के पास गए, दादी का भी मेरा पैर टूटा हुआ था, वो बिस्तर पे ही पड़ी थोड़ा ही, मैंने उनके पास गए थे, वही बेचारी रोने लगी हमको पकड़ के कि आओ बैठो और अपने जेब से 20 रुपये निकालेंगे जाकर। और तुरंत पापा का भी मेरा पैर टूटा है तो वही बाहर नहीं है, तो तुरंत दादी के पास भी कॉल किए तो वही बेचारा फोन पे रोने लगे, बोले स्टेशन बहुत बढ़िया बात है, और वही फोन पे रोने लगे दिया हुआ 30 रुपया का जो होता है वो बोलते हैं ना कि कार्डिनल अप्रोच तो नहीं, समझ रहे हो, उसकी गिन नहीं सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो, अलग लेवल का अलग रैंकिंग है उसका, समझ रहे हो, अलग है वो मम्मी का आंसू जिस दिन हमारा रिजल्ट होता है वो सर, उसका कोई गिनती नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, समझ रहे हो। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ घर का हालात ठीक ना हो और तुम अचीवमेंट पाते हो, अंदाजा नहीं है खुशी का लेवल, समझ रहे हो। तो आप लोगों से, आप लोगों को सामने इन लोगों को हम बुलाएं इसी वजह से कि आप लोग कुछ सीखें, काफी स्ट्रगल किया है, काफी मेहनत किया है, रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। आप लोग भी बस पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आपके गार्जियन सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भी ना सोचे कि सर हमारे घर का स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। सभी लोग कर सकते हैं, और कॉमर्स ऑलरेडी बहुत सस्ती पढ़ाई है, महंगी पढ़ाई नहीं है, समझ रहे हो, बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया अचीवमेंट पा सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो। कहते हैं कि नाम के बाद सफिक्स तो हमारे पूर्वजों से मिल जाता है, हमारे माँ बाप से मिल जाता है, दम है तो प्रीफिक्स लगा के दिखाओ, दम है तो प्रीफिक्स लगा के दिखाओ, CA, CM में CS, समझ रहे हो। तब लाइफ में कुछ तुम दम कम से कहोगे कि सर कुछ करके दिखाए हैं, समझ रहे हो, कहीं चुप के खड़े नहीं रहोगे, जहाँ जाओगे तहाँ इज्जत होगा, जहाँ जाओगे इज्जत मिलेगा, दो चार लोग तुमको सुनेंगे, तुमको कहना नहीं पड़ेगा ये सुनो मेरी भी बात, कहना नहीं पड़ेगा, तुम जहाँ जाओगे ऑटोमेटिक लोग चुप हो जाएंगे, क्या तो भाई साहब बोलने वाले हैं, कुछ सुन लिया जाए, कुछ बढ़िया बोलेगा, ये इज्जत मिलता है सर, ये इज्जत लाइफ में, अगर इज्जत चाहते हो, सोसाइटी में इज्जत चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, तो सर कुछ करना पड़ेगा, यही 2-4 साल मेहनत है कर लीजिए, 2-4 साल बाद आपकी जो लेवल होगी ना सर सोसाइटी में, देखिए पैसा, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमा लीजिए, पैसा अलग चीज है सर, जो ये रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट सब लोग नहीं कमा पाते, सब बहुत लोग कमाते हैं। ये बात मैं जरा दानिश से भी पूछना चाहूंगा, चूंकि ये भाई बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका बिजनेस भी अच्छा चलता है, बट फिर भी उसके बावजूद भी इनके गार्जियन इनको पढ़ाते हैं, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्या लॉजिक है इसका, आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इतना इनका पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जरा ये खुद बताएंगे। बात ये है कि स्टूडेंट का होना चाहिए कि उसको पढ़ना है, क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, खुद का कुछ अचीव करना है कि नहीं करना है, बाकी सब और बात नहीं है। मतलब देखिए कहने का अर्थ ये है कि सर फैमिली, आप भले ही पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, आपके पैसा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, फिर भी अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपका खुद का एक रिस्पेक्ट जो है वो आपकी नजरों में पड़ जाता है, सोसाइटी की नजरों में पड़ जाता है, उसके बाद आप लाइफ में कुछ भी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है लाइफ में कीजिए। अरे एक तो बढ़िया बढ़िया IITian होने के बाद छोड़ दे रहा है सब, खेती कर रहा है सब, अभी कल मैं मोबाइल पे किसी एक IITian का इंटरव्यू सुन रहा था जो आजकल खेती कर रहा है, और खेती में भी धमाल मचा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक लेवल पे आपका माइंडसेट पहुंचा देते हो ना, तो सर उसके बाद लाइफ में कुछ भी करोगे ना, आप यूट्यूबर बनाना चाहिए, देखो एक से बढ़ के एक CA सब, CMA सब, IIT IIM वाले सब यूट्यूबर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी करोगे अलग लेवल का काम करोगे, अपने पहले माइंडसेट को ग्रो करो, समझ रहे हो, दिमाग को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई कीजिए सभी लोग,
बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 6 महीने के बाद, अगले अटेम्प्ट के बाद आप लोग भी हमारे साथ होंगे, इनमें से बहुत सारे लोग, और हमारे साथ ऐसे ही बातें करेंगे, आने वाले क्लासेस को मोटिवेट करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और एक बार फिर से कहेंगे ये सब कुछ पॉसिबल है, कॉमर्स 2.0 है तो पॉसिबल है, कॉमर्स 2.0 है तो मुमकिन है, ठीक है। और इसके साथ आज का प्रोग्राम हम खत्म करेंगे।